एयर स्ट्राइक में 100 आतंकवादी मारे गए, नहीं 200 आतंकवादी मारे गए, नहीं 300 मारे गए, 300 रुको 400 आतंकवादी मारे गए, ना तुम्हारी ना मेरी 500 मारे गए, पक्का 500 आतंकवादी मारे गए एयर स्ट्राइक। 40 का बदला 400 को मार करके चुकाया, 45 के बदले में वो 450 450 खो चुके। बम गिराए उसके पहले वहां पर 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे, अब कल्पना कर लो कितने मारे। एयर स्ट्राइक करीब 250 की उधार आतंकवादियों ने 100 वी किल्ड ओवर 300 देम एंड इंजर्ड द रेस्ट। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। ये नेता अपने बड़बोलेपन की वजह से खुद ही सेना के गौरव को कम करने पर तुले हुए हैं। भाजपाई और इनके अंधभक्त अपने वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ बोलने से पहले भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, और हां पाकिस्तान मुर्दाबाद। नहीं तो ये भाजपाई और इनके अंधभक्त मुझे पाकिस्तानी और देशद्रोही बोलने में टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्विटर यूजर शेखर चहल की। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इनको हमारे प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं। इन्होंने हाल ही में ट्विटर पर बालाकोट में रहने वाले एक पाकिस्तानी शख्स के साथ व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि हाल ही में वायुसेना के द्वारा किए गए हमले में जैसे मोहम्मद के 292 आतंकवादी मारे गए हैं। इनके दोस्त ने इस व्हाट्सएप चैट में यह बताया है कि उसकी मां बालाकोट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीन है और मारे गए आतंकवादियों के शरीर की जांच की जिम्मेदारी इनके मां की थी। चहल ने इस चैट को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी शेयर किया हुआ है। इन्होंने इस पोस्ट के साथ एक लिंक भी शेयर किया था, पर उस लिंक में भी ऐसा कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का जिक्र नहीं है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपने बयान में कहा है कि 250 आतंकवादी मारे गए, पर इसका समर्थन करने के लिए हमें अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। वास्तव में रक्षा मंत्री ने खुद ही कहा है कि बताए जाने के लिए अभी कोई संख्या नहीं है। द फॉरेन सेक्रेटरी गेव अ फिगर, he didn't give a figure, he gave a statement. That is government of India's position. The foreign secretary gave a figure, he didn't give a figure, he gave a statement. That is government of India's position. दोस्तों, बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फेक न्यूज फैलाई जा रही है और बहुत सारे यूजर झूठी फोटोज और वीडियो शेयर करके ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है कि अंधभक्ति से बचें और किसी को कुछ बोलने या शेयर करने से पहले उस न्यूज की पुष्टि कर लें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, याद रहे, काम नहीं करना में बोलते हैं।